फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हो गई हूँ खाना बना बना के तंग और मेरा मन कर रहा है आज कुछ चटपटा खाने का, जो हमारे एरिया में मिलता नहीं क्योंकि फुली ब्रिटिश एरिया है। मिलता भी है तो वो इंडियन वाला स्वाद नहीं आता। तो आज मैं जा रही हूँ मिनी गुजरात, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था मिनी पंजाब, और आज मैं जा रही हूँ आपको लेके मिनी गुजरात। वहाँ पे कुछ चटपटा खाएंगे, शॉपिंग करेंगे और घूमेंगे फिरेंगे। तो चलिए आज मेरे साथ मिनी गुजरात। तो यहाँ मैं जा रही हूँ बस से वैमले, तो अभी हम थोड़ी देर में वैमले पहुँचेंगे और मैं आपको वहाँ की सैर कराती हूँ। तो देखिए यहाँ का बस स्टॉप है। वाह, गन्ने का जूस देखो समो, चलो पीते हैं। अच्छा, बहुत दिनों से नहीं पिया है। वाह यम्मी गन्ने का जूस, कम कम कम। वाह, हम आज गन्ने का जूस पियेंगे। इतने दिनों बाद गन्ने का जूस मिल रहा है ना वो। चलो चलो चलो, डोसा और पाव जी को छोड़ के उस ऊपर से। तो देखिए यहाँ पर सभी तो सब कुछ मिलता है, इवन इंडिया जैसा गन्ने का जूस भी यहाँ पर मिलता है। तो काफी टाइम बाद हम वैमले आए हैं आज। थैंक यू। चलो समो चीयर्स करते हैं। चीयर्स। बहुत टेस्टी है ना समो। मजा आ गया। आप लोगों को पीना है यार, आप तो पीते ही रहते हो इंडिया में, मैं बहुत दिनों बाद पी रही हूँ। ठंडी है पर बहुत अच्छा लग रहा है, टेस्टी लग रहा है। तो यहाँ देखिए गर्मा गर्म कॉर्न बन रहा है, और कॉर्न बहुत ही चीप है यहाँ पर, ओनली 1 pound में गर्मा गर्म कॉर्न मिल जाए तो बस बात ही क्या है। तो बहुत ही मजा आया गर्मा गर्म कॉर्न खाकर। थैंक यू। Give me my corn. Sit down. Good sandwich. He wants sandwich. So, अब मैं खा रही हूँ sweet corn. This is only for 1 pound. है ना, सब cheap. बहुत अच्छा है. सर्दी के टाइम में गर्मा गर्म corn बहुत ही मजा आ जाता है खा के। हेलो भैया, कैसे हैं आप? तो आ गए हम फिर से आपकी दुकान पे, और लास्ट टाइम भी आए थे, बहुत अच्छा फूड है आपका। तो जो कोई भी आए, देखिए यहाँ पे जिसको भी चटपटी चाट खानी हो तो अशोक चाट हाउस आ सकते हैं, बहुत ही अच्छा यम्मी फूड बनाते हैं, और इन भैया से जरूर मिलिएगा। यू आर ओनर फ्रॉम दिस? ओके, हिज ब्रदर इज ओनर फ्रॉम दिस शॉप। सो हम भी आज काफ़ी दिनों बाद आए हैं, बहुत यम्मी फूड है। तो देख लीजिए आप, प्राइस भी और बहुत कुछ मिलता है यहाँ पर, दिखाइए ज़रा। तो थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू। तो आ गया है हमारा चटपटा फूड। तो ये है आलू टिक्की, एंड दिस इज माय सैंडविच, एंड दिस इज समोस पाव भाजी। समो हाउस पाव जी, वेरी गुड। तो गाइज, जब सबसे पहले हम किसी भी फॉरेन कंट्री में जाते हैं, सबसे पहले क्या मिस करते हैं पता है? यहाँ पे स्ट्रीट फूड हम मिस करते हैं, और हमें जब भी स्ट्रीट फूड खाना हो हम आते हैं वैमले। देखिए हमने बहुत कुछ ले रखा है और हम खा रहे हैं यहाँ पे। काफ़ी आपको स्ट्रीट फूड शॉप मिल जाएंगी, उनमें से एक ये भी है जिसका मैंने आपको भी दिखाया था। तो कहीं भी आपको स्ट्रीट फूड खाना है तो वैमले आ सकते हैं आप। मैंने यहाँ लिया एक मसाला चाय और सैंडविच। तो थोड़ी सी ठंड है तो मैंने सोचा चाय भी पी लेती हूँ यहाँ पर आके। तो अभी हम खा रहे हैं और अभी घूमेंगे भी। तो चलिए पहले खा लेते हैं, फिर बाद में बात करते हैं आपसे। तो लंदन में वैमले जो जगह है वो पूरा इंडिया की तरह दिखता है, और सभी कुछ मिलता है, और वेजिटेरियन फूड की भी काफ़ी शॉप्स हैं। तो अगर आप इंडियन फूड खाने का शौकीन हैं तो आप वैमले आ सकते हैं, और जम के चाट पकौड़ी
और इंडियन फूड का मज़ा ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारी शॉप्स हैं एंड इट्स नॉट एक्सपेंसिव, तो यहाँ पे आपको मोस्टली सारी चीज़ें मिल जाती हैं। 5 तो ये है लेडीज नाइट। तो इंडिया में लेडीज पहनती है उसी टाइप की। 5 pounds। वैमले मार्केट में आपको लगभग इंडिया के प्राइस में क्लॉथ्स मिल जाते हैं और मोस्टली शॉप्स में सेल भी होती है इस टाइम, तो इंडिया जैसे प्राइस में आपको अच्छे क्लॉथ्स मिल जाते हैं और सूट साड़ी स्वेटर जैकेट एवरीथिंग इज़ अवेलेबल देयर। और बहुत अच्छी अच्छी शॉप्स हैं, देखने में भी बहुत मज़ा आता है और मोस्टली शॉप्स में शॉपकीपर भी इंडियंस ही होते हैं, तो अगर किसी को इंग्लिश भी नहीं आती तो वहाँ पे तो मोस्टली सारे लोग हिंदी बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर सेल लगी हुई है फुटवेयर की, 5 pounds, 10 pounds में बहुत अच्छे अच्छे फुटवेयर हैं। तो ये है पोपट शॉप जहाँ पे आपको इंडियन कुकरी से रिलेटेड सारे टाइप के डिशेस बर्तन मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे सभी तरह के बर्तन अवेलेबल हैं और ये वैमले में पोपट शॉप फेमस शॉप है। अगर किसी को किसी भी तरह का बर्तन लेना है तो वैमले में इस शॉप में जाकर ढूंढेंगे तो ज़रूर मिल जाएगा। देख सकते हैं अब हर टाइप के यहाँ पे बर्तन रखे हुए हैं, बहुत ही सुंदर हैं और प्राइस भी ठीक ही मिल जाएगा क्योंकि और एरियाज़ के अकॉर्डिंग वैमले में हर चीज़ चीप है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हर तरह के प्लेट बाउल सब कुछ रखा हुआ है। यहाँ पर देखिए चकला बेलन, तो अगर कोई इंडिया से आ रहा है और वो कंफ्यूज है क्या लेकर आए क्या ना लेकर आए, तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कुछ भी ना लेकर आओ, यहाँ पे सभी कुछ मिल जाता है और बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। सो देखिए यहाँ पर सूट्स कितने अच्छे अच्छे हैं और इन लोगों ये सभी कुछ डिस्प्ले में लगा कर रखते हैं, तो वो कोई झंझट भी नहीं है कि यहाँ पे कोई आपको दिखाएगा तो आप देखेंगे वेट करेंगे, एवरीथिंग इज़ इन डिस्प्ले सो यू कैन हैव अ लुक योरसेल्फ। और देखिए ये शॉप काफ़ी बड़ी थी, ऊपर भी एक सेक्शन था जहाँ पे बच्चों का और जेंट्स का था, नीचे लेडीज सेक्शन था। तो वैमले में बहुत ही अच्छी अच्छी शॉप्स हैं, देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छी अच्छी जेंट्स के भी कुर्ते ट्रेडिशनल वेयर लगे हुए हैं, बहुत ही सुंदर है। वैमले आकर तो मन करता है कि यहाँ पर बस देखती रहो क्योंकि इतना अच्छा अच्छा सब कुछ है और एवरीथिंग इज़ इन डिस्प्ले, तो बहुत अच्छा लगता है देखने में। और यहाँ पे टेलर्स भी हैं, तो अगर किसी को स्टिचिंग करानी है तो वो वाली भी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाती है क्योंकि टेलर्स भी हैं। और एक्चुअली वैमले में एंड साउथ हॉल में ही टेलर देखने को मिलते हैं, जहाँ हम रहते हैं वहाँ तो कोई भी टेलर नहीं है। तो गाइस कैसा लगा आपको मिनी इंडिया लंदन का, तो मुझे बताइएगा ज़रूर। आई होप आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा एंड बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाइएगा। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।